हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक सिल्वर पायल की अच्छी सी डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं पिछले साल ली थी छठ में, और मुझे अभी भी याद नहीं है कि वो पायल पहनकर आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ या नहीं आई हूँ। आप लोग के पास जब ये वीडियो जाएगी तो आप लोग बताना कि ये वीडियो आपने पहले देखी थी या नहीं देखी थी, क्योंकि मैं बैक में जाकर देखने नहीं जाऊंगी। लेकिन अब जो मैं पायल आपको दिखाने वाली हूँ ना, उसको मैं कंटिन्यू घर में पहनूंगी, क्योंकि बहुत ही पतली है, हल्की है। तो यहाँ देखिए मेरा पिटारा है, ये देखिए इस तरह से ये पिटारा है मेरा पिटारा। और ये जो पिटारा है ना, इसमें मैं अपने हस्बैंड के लिए पर्स ली थी उनके जन्मदिन में, ये वाला पोलो का। तो इसी में मैं ना जो भी एंकलेट्स वगैरह कहाँ गया जो भी एंकलेट्स वगैरह मैं खरीदी थी ना पिछले छठ में जब मैं मायके गई थी, तो वो देखिए इसमें है। और इसी में देखिए ये जो सिल्वर कलर की आपको पायल नज़र आ रही है ना, तो मैं आज जब देखने लगी कि आखिर इसमें क्या है, एक झोले में रखा हुआ था, तो फिर देखिए इसमें इतने सारे एंकलेट्स और चांदी की पायल भी है, मतलब नकली। तो चलिए मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। पायल देखिए भले ही सिंपल है, लेकिन इसके घुंघरू बड़ा जबरदस्त है एकदम। देखिए ये देखिए, और इसमें जो पायल है इसकी चैन आप देख लीजिए, बहुत ही पतली है। और कलर आप देखिए नज़दीक से देखिए, इस पे ना धारियाँ बनी हुई हैं, दूर से दिख रही है ये धारियाँ बनी हुई है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी ना, उसमें आपको दिखेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये पतली सी है पैरों में। अभी ठंड का दिन है तो सॉक्स वगैरह भी बीच बीच में पहनना ही होता है, कभी कभी ज़्यादा या कभी। वैसे मेरी एड़ियाँ थोड़ी सी फटी गई है, आप लोग देखिए हो। इसकी घुंघरू बहुत अच्छी है, देखिए ये घुंघरू ना काफ़ी अच्छी साउंड करती है। और ये शायद मैं कितना मिली थी, 60, 70 या 100 के अंदर की ही मैं ली होंगी, ज़्यादा नहीं। तो इसको आज मैं अपने पैरों में पहन कर दिखाऊँगी। तो चलिए पैरों में पहन कर दिखा, यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं। और यहाँ पे बैठने के लिए पता है ज़मीन ठीक है, ज़मीन पे बैठ करके वीडियो बना लेती हूँ। और जहाँ पे मैं अपना मोबाइल रखी हूँ ना, वहाँ पे मैं एक जो गमला होता है वो रखी हूँ, फ्लावर वाला, और उसी पे अपना मोबाइल टिका देती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखिए, पहले तो पायल बिल्कुल न्यू है। मुझे लगता है ना कि ये पायल मैंने पहनी ही नहीं है, खरीद के रखी हुई थी, मुझे याद ही नहीं पड़ा। क्योंकि अगर मैं इसको पहनती ना तो ये ओपन होती पहले से, क्योंकि इसको मैं ओपन अभी कर रही हूँ, यानी कि इस पायल की वीडियो आप तक पहुँची ही नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले तो अच्छे से फिक्स करूँगी, इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो इसको मैं बाद में करूँगी। ये जैसे जो घुंघरू इसमें दिया हुआ है ना बजने वाला, तो वो बहुत ही टाइट है तार, यहाँ देखिए, और वो ना अच्छे से मुड़ा हुआ नहीं है। उसको अगर मैं नहीं मोड़ूँगी ना, वो प्लास से इसको मोड़ना पड़ेगा, तो फिर पैरों में चुभेगी या फिर साड़ी वगैरह में भी फंस सकती है, कहीं भी फंस सकती है, चुभ सकती है। तो उसको भी ठीक करना होगा, लेकिन अभी मैं बैठ गई हूँ तो उठने का अब आलस आता है उठने के लिए बार बार, तो अभी उठूंगी नहीं, बस पायल पहन ले रही हूँ। बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन जब भी मैं कोई भी आर्टिफिशियल पायल पहनती हूँ, मुझे यही दुख होता है कि आखिर इसकी लंबाई क्यों नहीं होती है ज़्यादा, इतनी छोटी है, ये पैरों में ही टंग के रह जा रही है, नीचे तक आती ही नहीं। यही मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। क्या पायल जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर जहाँ होता है, थोड़ा सा बड़ा नहीं बना सकते हैं वो लोग? चांदी की पायल होती है ना, कि अगर छोटा है तो वो पहनते पहनते वो साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। मेरी मम्मी लोग बोलती थी चांदी का पायल हम लोग का पैर से थोड़ा छोटा खरीदती थी जब हम लोग पहना करते थे ना, या मम्मी मेरी खुद के लिए भी लेती थी, बोलती थी पहनो पहनोगी जितना उतना ही झोरा झोरा के, मतलब हिल हिल के, वो हमारा झारखंड का भाषा है झोरा झोरा के, तो हिल हिल के पायल ना, पानी में ऐसे वैसे जैसे भी, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो ये सब भी चीज़ें हैं ना, मैं अपने स्कूल टाइम में, मतलब कॉलेज टाइम तक में भी बहुत चीज़ें ये सभी नोटिस करी हूँ, क्योंकि मैं पहले भी पायल पहनती थी। हाँ, स्कूल टाइम में नहीं, मतलब स्कूल में नहीं पहनती थी, लेकिन जब भी
मौका मिलता था घर में या कोई फेस्टिवल में पहनती थी, तो पायल पहनने के बाद पानी वगैरह में तो जाना ही है, पायल बड़े हो जाते हैं देखिए, लेकिन ये आर्टिफिशियल पायल है, ये सब पायल तो बड़े नहीं होते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। बेचने वाले तो कुछ भी कह के बेच देते हैं। ये मैं पिछले साल जब अपने मायके गई थी तब छठ में ली थी, अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी, ये पायल इसी बॉक्स में पड़ी पड़ी रह गई। और जैसे मैं कहीं रख देती हूँ ना किसी भी जगह में, उसके बाद अगर मैं उसको ना देखूँ तो वो चीज़ वहीं पे रह जाती है। तो ये पायल बहुत ही हल्की है, बस इसका जो वो तार निकला हुआ है उसको मैं तार ठीक करूँगी, फिर मैं इसको कंटिन्यू घर में पहनूँगी, क्योंकि मैं एक पायल तो चुन ही लेती हूँ जो कंटिन्यू मैं घर में पहनूँ। जैसे इसके पहले अभी मैं आपको दिखाई थी कंटिन्यू घुंघरू वाली पायल पहन रही थी, जो आर्टिफिशियल ही थी, छोटे छोटे घुंघरू थे और पतली सी चैन थी, और उसको काफ़ी पहन ली, उसमें से एक घुंघरू भी दो निकल गए हैं, ज़्यादा पहनने से निकल ही जाते हैं। देखिए ये पायल भले ही बहुत पतली है लेकिन इस पायल में ये जान डाल रही है इसकी घुंघरू। घुंघरू ऐसी घुंघरू ना मैं पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी भाभी बिहार की हैं तो वो एक पायल बिहार से लाई थी, तो वहाँ वाला जब मैं पायल देखी तो उसमें घुंघरू जो ना ऐसे ही सेम था और थोड़ा इसे साइज बड़ा था, उसका साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो मैं सोची भी थी कि वाओ कितना अच्छा घुंघरू लग रहा है। तो एक पायल मुझे भी दी थी भाभी, तो उसका पायल तो ख़राब हो गया लेकिन मैं घुंघरू ना ऐसे निकाल के उसका कड़ी यानी बीच वाला जो आप देख रहे हैं ना वो निकाल के अभी भी मैं रखी हुई हूँ वो गाँव पे है मेरा ससुराल में, कि कभी कोई पायल में ज़रूरत पड़े तो उसको लगा लूँ, घुंघरू बहुत अच्छी बजती है। और इस पायल में भी घुंघरू अच्छी बज रही है, अगर मैं चलूँगी ना तो बहुत अच्छा साउंड करेगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको चल के नहीं दिखा रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और आपने जो मेरी वीडियो नहीं देखी है ना प्लीज़ देख लीजिए, मैंने बोरो प्लस की वीडियो डाली है, उसमें फीट भी दिख रहा है, बट मैं पोस्टर वगैरह नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है ना वो मोनेटाइजेशन होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए पोस्टर पे ना जाए आप, मेरी जो पोस्टर या थंबनेल जो है उस पे ना जाए आप लोग, वीडियो अंदर जा कर के खोल के ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।